हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश सरकार और आप देख रहे हैं सर यूट्यूब चैनल। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक प्रिंटर है, ठीक है, कैनन का प्रिंटर है। ये आपका मॉडल नंबर है E470 का। इसका प्रॉब्लम आ रहा है, आपका लाइट ब्लिंक कर रहा है। देखिए, पावर ऑन करने के बाद इसका जो लाइट है ब्लिंक हो रहा है। मैं एक बार ऑफ करके दिखाता हूँ। देखिए ऑफ हो रहा है, ऑफ हो गया, अभी मैं ऑन कर रहा हूँ। देखिए ऑन होने के बाद इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। पहले आपको प्रिंटर को ऑफ कर देना चाहिए। जब प्रिंटर ऑन करेंगे, ठीक है, इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले स्टॉप बटन है ना, उसको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसको प्रेस कीजिए स्टॉप बटन को, फिर इसका पावर ऑन कीजिए, फिर स्टॉप बटन को छोड़ दीजिए, पावर बटन प्रेस करके रखिए और स्टॉप बटन को आप 5 बार प्रेस कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, फिर पावर बटन छोड़ दीजिए। देखिए सॉल्व हो गया, प्रिंटर ऑन हो रहा है। आप प्रिंटर को रीसेट कैसे मारेंगे, तो उसके लिए आपको स्टॉप बटन के 5 बार दबाना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, फिर पावर बटन में एक बार क्लिक कीजिए। देखिए रीसेट हो रहा है, देखिए प्रिंटर घूम रहा है। हो गया, थैंक यू।